सिर्फ और सिर्फ लड़का ही होगा। अगर आप में दिखाई दे ये लक्षण तो पक्का लड़का ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल प्रेगनेंसी मम्मी स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रेगनेंसी वीडियो में जानेंगे गर्भ में लड़का होने के पक्के लक्षण के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने जो नोटिफिकेशन का बेल है वो प्रेस करके ऑल करके रख दीजिएगा, ताकि कि मैं आगे ऐसे प्रेगनेंसी टिप्स लाऊं तो आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं इतना भी बोलना चाहती हूँ कि जिन गर्भवती महिला मेरी ये वीडियो देख रही है वो ये वीडियो सिर्फ जो उनका प्रेगनेंसी का जर्नी है उसे इंजॉयफुल करने के लिए देखे, ना कि लड़का लड़की में भेदभाव करके देखे, क्योंकि दोनों ही उनके संतान हैं, इसलिए लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला को जानने की जिज्ञासा रहती है कि उनके घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की, या फिर उनके घर वालों को भी जानने की जिज्ञासा रहती है कि गर्भवती महिला के घर में पलने वाला शिशु कौन है, लड़का है या लड़की। और दोस्तों, जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में जो हॉर्मोन्स के जो उतार चढ़ाव है बहुत होते हैं, जिसके वजह से एक गर्भवती महिला शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशान रहती है। ठीक है, और दोस्तों इतने में कह देती हूँ कि मेरा जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देता, मेरे लिए लड़का हो या लड़की दोनों समान है। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं गर्भ में लड़का होने के लक्षण के बारे में। पहला लक्षण है पैरों में दर्द होना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को पैर में बहुत दर्द रहता है या फिर सूजन की समस्या बहुत ज़्यादा रहता है तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। दूसरा लक्षण है गर्भवती महिला का पेट का आकार। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला का पेट का आकार छठे सातवें आठवें महीने में जो पेट का जो भार है वो नीचे की तरफ है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। तीसरा लक्षण है गर्भवती महिला को उल्टी की समस्या बहुत कम होना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को उल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कम है, तो माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। चौथा लक्षण है पिंपल क्षारीय की समस्या बहुत ज़्यादा होना। गर्भावस्था के दौरान अगर एक गर्भवती महिला को पिंपल्स क्षारीय की समस्या बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी माना जाता है कि ये एक गर्भ में लड़का होने का ही संकेत है। तो दोस्तों यही था गर्भ में लड़का होने के लक्षण के बारे में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।